हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। भारत का एकमात्र ऐसा चैनल जो YouTube पर आपको फ्री में पहली कक्षाएं प्रदान कर रहा है संविधान के लक्ष्मीकांत जो सातवां एडिशन आया उसको लेकर, और उसके तुरंत बाद कुछ दिन के अंदर ही, 1 या 2 दिन के बाद ही जो है हमारा चैनल, हमारी टीम आपके लिए MCQ प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, ये आपकी बदौलत ही हो पा रहा है क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन इतना मिल रहा है कि इतने जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी संदर्भ में आज हम लोग लक्ष्मीकांत के जो भाग प्रथम है, जो भाग एक है, भाग असंघ और इसके राज्य क्षेत्र जो है उसको लेकर आज हम लोग क्लास करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए तुरंत जो है हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं कि क्या कुछ कहता है भाग एक संविधान हमारा जो है वो क्या कहता है। तो देखिए, संविधान का भाग एक जो है, यह पहले तो हम आपको फुल स्क्रीन कर दे ताकि आप भी आसानी से समझ पाए, है ना। आप कहेंगे वरना कि मजा नहीं आ रहा है, अब मजा आएगा। देखिए, हम आपको बताते चले कि यहाँ पर भाग एक में चार अनुच्छेद है, अनुच्छेद एक और अनुच्छेद चार। ठीक है, मैं इसको लिखकर इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत परेशानी ना हो और हम लोग आराम से जल्दी जल्दी करते हुए चल चले। अनुच्छेद एक क्या कहता है? अनुच्छेद एक कहता है कि इंडिया यानी भारत। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि विवाद हुआ था नाम को लेकर, काफी विपक्षी दलों के द्वारा जो है हंगामा किया गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि G20 में 9 तारीख को राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को, इंडिया के राष्ट्रपति को बुलाया जाना था, आमंत्रित करना था। उन्होंने विदेशी बाकी अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को जो निमंत्रण पत्र भेजा था उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। ठीक है, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। और हम आपको यहाँ बताते चलें कि संविधान जब बना था, हमने अपने वीडियो के माध्यम से भी ये बताया था कि संविधान जब बना था तो उस वक्त भी संविधान सभा में भारत के नाम को लेकर, इंडिया के नाम को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद रहा। विवाद क्या रहा, मतलब कि दो धड़ों में इस पर बहस हुई थी और बाद में ये हुआ कि दोनों नामों को शामिल किया जाए और अंततः लास्ट में दोनों नामों को शामिल किया गया। तो अगर इंडिया यूज हो रहा है या भारत यूज हो रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत यान इंडिया अर्थात, या इंडिया यानी भारत। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, यहां से अगर आप देखें तो ये एक पार्ट हो गया, यहां से यहां तक इंडिया यानी भारत, यानी दोनों नाम शामिल हो गए। दूसरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक है जो कहता है कि राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा अर्थात क्या? राज्यों का संघ का मतलब ये है कि ये समझौते के तहत शामिल देश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के राज्य, चूंकि संघवाद अगर आप पढ़ेंगे तो संघवाद दो तरह का होता है, अगर उसमें आप संघवाद में थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर टच करें तो एक होता है, एक तरह तरीका यह है अमेरिका का कि एक कुछ छोटे 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 देश जो मिलकर, ठीक है, आपस में एक बड़े देश बना लेते हैं। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य, सारे राष्ट्र संयुक्त राज्य जो एक साथ मिलकर एक अमेरिका बना लिए। ठीक है, इन्होंने अपना एक देश बना लिया। भारत ऐसा नहीं है, भारत ने इतना मतलब बड़ा मान लीजिए भारत है, भारत ने अपने, हमने आप याद कीजिए कक्षा 11, ठीक है, उसमें हमने जो कहानी के माध्यम से आपको समझाया था वो यही तो था, ताकि आपका संवाद क्लियर हो जाए, कि हमने अपने सुचारुता के लिए, उसमें जो राजा गोपाल थे उन्होंने अपनी सुचारुता के लिए बांटा हुआ है। ठीक है, ये राज्यों का सम्मेलन करके नहीं बना हुआ है, ये बड़े भूभाग को अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रशासनिक रूप से आराम से चले सके, ताकि इसको हमने छोटे छोटे राज्य उसमें बांट रखा है। क्लियर है? तो ये अर्थात ये हमने आपको देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, उसके बाद से चलते हैं। देखिए, भारत के क्षेत्र में तीन वर्ग शामिल है। ठीक है, भारत के क्षेत्र में तीन वर्ग में शामिल है, जैसे मान लीजिए आपको भारत नक्शा, हमने अपने आपने देखा ही होगा भारत का नक्शा, तो उसमें तीन वर्ग शामिल है। एक राज्य का क्षेत्र, क्लियर है, राज्य का क्षेत्र मतलब सारे राज्य, सारे जो है यहाँ पर राज्य आ जाएंगे। क्लियर है, सारे राज्य यानी 28 राज्य जो वर्तमान में है। ठीक है, साथ में संघ क्षेत्र, तो संघ क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज आप कह सकते हैं इसे, यूटी जिसे भारत में 8 है, और भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है जिनको, तो वे देश होते हैं जिनको भारत, चूंकि संप्रभु है तो भारत अपने हिसाब से हड़प सकता है किसी भी उसको। ठीक है, अगर उसको लगेगा तो युद्ध के जरिए, ठीक है, युद्ध के जरिए, समझौते के जरिए किसी भी उसको अन्य भूभाग को क्या करता है, समाहित कर सकता है भारत के अंदर। ठीक है, हमने आपको बताया कि इसमें 28 राज्य हैं, ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहली अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। आपको बताया कि 12 शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं इस पर। ठीक है, इनके बारे में जब हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करिए, है ना। उसके बाद से आइए चलते हैं आगे देखते हैं। तो भारत का यही देखिए, भारत विदेशी क्षेत्र का
अधिग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि भारत संप्रभु है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, संप्रभु यानी सोवरेनिटी, जिसका सोवरेनिटी जो कि सुपर एनएस से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, सोवरेनिटी यानी कि सर्वोच्च शक्ति। तो सर्वोच्च शक्ति भारत की सरकार है, भारत की जनता है। अगर ऐसे अगर देखा जाए, सर्वोच्च शक्ति की बात की जाए तो भारत की जनता है, भारत का संविधान है ना। तो जनता से चूंकि शक्तियां प्रदान होती हैं राष्ट्र को, तो भारत संप्रभु है। संप्रभु का हमने सीधा भाषा में आपको बताया भी था कि स्वयं प्रभु समझिए, खुद से प्रभु, कोई और ऊपर से किसी प्रकार का दबाव नहीं। तो भारत जो चाहे अगर तो वो ऐसा कर सकती है ना। इसके तहत ही गोवा को, सिक्किम को, दादर नागर हवेली को, दमन दीव को और पुदुचेरी को शामिल किया गया था भारत में, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद दो क्या कहता है? तो देखिए, अनुच्छेद एक में हमने बताया, अनुच्छेद एक हम आपको बता दें क्या है। अनुच्छेद है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमने आपको बताया राज्यों का संघ, क्लियर, कि सारे राज्य जो है इसके भारत में संघ, भारत चूंकि संघात्मक, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये अनुच्छेद प्रथम से ही जो एक है उसी से ही हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं। और जो यहाँ की कार्य प्रणाली है, जो यहाँ पर जो शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा जो है, उस आधार पर हम लोग ये कहते हैं कि संघात्मक व्यवस्था है। बात करें अगर अनुच्छेद दो की, तो अनुच्छेद दो कहता है क्या है वो पहले देखिए। अनुच्छेद दो कहता है संसद जो कि वह ठीक समझे समझे विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों या शर्तों पर संघ के नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना कर सकेगी। सिंपल है, इसका मतलब ये है कि भारत हो गया, ये हो गया भारत, क्लियर, ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्ट ना समझते हुए ऐसे समझिए भारत है, क्लियर है। तो भारत, इसका डायग्राम ठीक कर देते नहीं आप कहेंगे कि पूरा ही मिट गया। चलिए छोड़िए, भारत जो है, भारत मान लीजिए, सपोज ये भारत है ना। तो भारत को अगर यहां से किसी देश को अपने में शामिल करना है, या इधर के किसी देश को, पाकिस्तान को शामिल करना है, या चाइना को शामिल करना है, ठीक है, और कौन बचा, इधर अफगानिस्तान को भी शामिल करना है, म्यांमार को भी शामिल कर लेना है, बांग्लादेश को, श्रीलंका को भी शामिल कर लेना है, ठीक है, सबको शामिल कर लेना है, तो इसके लिए संसद, कौन संसद, ये ध्यान रखिएगा, कौन कर सकता है संसद, ठीक है, संसद जो है वो ठीक समझे तो सिंपल नियम और कानून के तहत इसको शामिल कर सकती है। इधर से भी शामिल कर लेगी, इधर से भी शामिल कर लेगी, इधर से भी शामिल कर लेगी, इधर से शामिल कर लेगी, जिसको मर्जी वो शामिल कर सकती है, संसद के पास इतनी पावर है। अनुच्छेद दो यही कहता है, ठीक है। अनुच्छेद तीन क्या कहता है? तो अनुच्छेद तीन कहता है कि आप अपने देश के भीतर राज्यों का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित, ठीक। तो या ये हमने आपको बताया था कि ये भारत बना दिया था हमने यहाँ पर, ठीक है, भारत ने ये बना दिया भारत, और यहाँ पर हमने इसको एक महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका गुजरात, क्लियर, ठीक, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। भारत सरकार चाहती कि इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया जाए, तो ठीक है, लो भैया एक बना दिया गया, एक राज्य बना दिया। उन्होंने सोचा अब इन दोनों को मिला दिया, नाम अलग कर दो, तो चलो ठीक है भैया, अब इनका नाम अलग करके मुकेश रख लो, ठीक है, कुछ भी नाम रख लो, है ना, इसका नाम बदल के हमने कुछ और कर दिया। अनुच्छेद तीन के तहत जो सरकार कुछ जो काम कर सकती है, जो उसको शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद तीन के तहत, वो देखते हैं। तो देखिए क्या क्या कर सकती है वो इसके तहत। तो इसके तहत राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके दो या अधिक राज्यों को, जो हमने बताया दो राज्य हो गए, गुजरात महाराष्ट्र को मिलाकर एक कर दे, ठीक है, या किसी राज्य को साथ के भूभाग को मिलाकर एक, देखो राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। मतलब ये है कि ये तो हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, इन दोनों को मिलाकर एक बना दे, या ये हो गया गुजरात, ये महाराष्ट्र, इस ये पूरा इसी को देकर एक राज्य बना दे। बात वही है, कहने का बस तरीका थोड़ा अलग हो रहा है। कहना मतलब संसद के पास पावर है कि दो राज्यों या दो से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, तीन राज्य हो गए, इनको भी मिलाकर एक बना दे, या फिर ये है इसका भूभाग काट कर इसको दे दे। आगे देखते हैं, आगे आइए, कंफ्यूजन ना होइए, आगे देखते हैं। देखिए किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, अब यहाँ किसी राज्य को क्षेत्र को बढ़ा सकेगी का तात्पर्य क्या है, ये रहा ना, किसी राज्य को, तो ये हो गया गुजरात, क्लियर, ये हो गया महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र मान लो इतना बड़ा है, उसने कहा कि नहीं हम गुजरात को इतना बड़ा करेंगे, ठीक है, तो महाराष्ट्र का इतना पार्ट तो दे दिया ना इसको, तो इसका
बांट बढ़ा दिया, ठीक है। फिर कह रहा है किसी राज्य को क्षेत्र को घटा सकेगी, तो महाराष्ट्र के साथ तो वही हुआ ना कि गुजरात का इसका महाराष्ट्र का जो पार्ट था वो काट के इसको दे दिया, तो इसका क्षेत्र घटा दिया, तो ये भी समझ में आ गया। गुजरात का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, महाराष्ट्र का क्षेत्र घटा सकेगी किसी राज्य का, ठीक है। फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, तो सीमा में परिवर्तन कर सकेगी मतलब मान लीजिए ये है आपका राजस्थान, ठीक, जस्ट यहीं से सटा हुआ है गुजरात, है ना, ये गुजरात है। तो अगर सीमा में परिवर्तन करना है तो ये गुजरात का कुछ पार्ट मिलाकर, अब हम आपको रबड़ का प्रयोग करते हुए ये देखिए पूरा ही मिटा दिए, तो यानी कि पूरा वो राजस्थान को दे दिया, मतलब उसकी सीमा में परिवर्तन कर दिया, ऐसे समझिए। ये था ना, ये गुजरात हो गया था और ये आपका राजस्थान हो गया था। तो राजस्थान की सीमा में परिवर्तन करना है तो मान लीजिए कि वो यहाँ से लेकर यहाँ पे कर दे, ऐसे राजस्थान यहाँ से गुजरात नहीं रहेगा, तो सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक। उसके से राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, तो राज्य के नाम में क्या परिवर्तन करेगी भैया, तो राज्य के नाम में पहले परिवर्तन किया जा चुका है, कई राज्यों के साथ किया गया, हम लोग आगे देखेंगे। 1950 में सबसे पहले किया गया था संयुक्त प्रांत का, ठीक है, संयुक्त प्रांत को के संयुक्त प्रांत के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा था कि हमारा मन करेगा हम जो मर्जी रखेंगे, हमारा मन करेगा मुकेश रखने का मुकेश रखेंगे, हमारा मन करेगा रोहित रखने का रोहित रखेंगे, हमारा मन करेगा उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड करने का हमने किया है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको भी पता है, नहीं पता है तो आगे आपको पता लगेगा कि जब हम लोग धन विधेयक पढ़ेंगे या कुछ ऐसे प्रस्ताव विधेयक है जिसको हम लोग को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होती है, वही कुछ हद तक यहाँ पर भी आ रहा है। देखिए क्या, ये जो प्रस्ताव पेश किया जाता है पहले राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, क्लियर है। यानी कि राज्य के नाम से परिवर्तन संबंधित, उसके क्षेत्र से संबंधित, उसका घटाना बढ़ाना, ठीक है, या फिर जो भी है अनुच्छेद 3 के तहत जो भी काम किया जा रहा है उसके लिए पहले राष्ट्रपति से परमिशन ली जाएगी। राष्ट्रपति कहेंगे ओके, ठीक है, क्या कहेंगे राष्ट्रपति ओके, तो उसके बाद से इसको संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है। संसद से पास होगी, पहले वही हमने आपको बताया था, लोकसभा राज्यसभा से, लोकसभा राज्यसभा से या लोकसभा राज्यसभा से पास होकर ये आपके राष्ट्रपति इस पे साइन करके मंजूरी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति इस चीज को संसद से पेश करने से पहले, मंजूरी देने से पहले, उस राज्य जिस राज्य के पर असर पड़ रहा है, जैसे हमने बताया गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है, तो चाहे महाराष्ट्र के वो कम हो रहा है तो महाराष्ट्र के विधानमंडल से क्या करेंगे, मंजूरी लेंगे, मत जानेंगे, मंजूरी नहीं मत जानेंगे, ठीक है। तो एक जो है एक वहां से बिल भेजा जाएगा किसके पास, वहां के संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य का जो विधानमंडल वो क्या करेगा कि निश्चित समय सीमा के अंदर, वो समय सीमा निर्धारित होगी कि इतने दिन के अंदर जो है आप हमको जवाब दीजिए, तो उतने दिन के अंदर वो अपना जवाब देगा विधानमंडल कि हाँ ठीक है आप करिए ना करिए। एक चीज हम आपको क्लियर कर दें, उसके जवाब को मानना है या नहीं मानना है ये कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति यानी कि संसद। आपको पता है राष्ट्रपति के नाम पे सारे का संसद करती, कार्यपालिका करती है, तो वो जो है वहां से विधानमंडल ने कहा कि ठीक है आप ये हमारा हमारे विधानमंडल से पास हो रहा है या ये विधानमंडल से पास हो रहा है, राष्ट्रपति उसके विचारों को उसके मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। लेकिन यूटीज की बात की जाए तो यूटी के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है, यूटी यानी कि जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं, यहां पर जब चाहे संसद, संसद के पास पावर है कि जब चाहे, वहां के विधानमंडल से कोई मत लेने की आवश्यकता नहीं है, चंडीगढ़ हो गया, दमनदीव हो गया, जितने भी हैं इनके लिए वहां के विधान, जैसे केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के पास विधानमंडल है भी और किसी के पास है भी नहीं, तो इसलिए वहां के विधानमंडल से किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं, संसद जब चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से मतलब उचित कदम उठा सकती है, मर्जी के हिसाब से नहीं, तानाशाही नहीं होगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत को विभक्ति राज्य का अविभाज्य संघ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत को विभक्त राज्य का अविभाज्य संघ, क्योंकि सरकार यहाँ जो संघ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो जो कि आपकी इस वक्त वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, ये चाहे तो राज्य सरकार को समाप्त कर सकती है, क्लियर है, ये राज्य सरकार को समाप्त कर सकती है। हमने आपको अनुच्छेद 3 के माध्यम से बताया, ठीक है, कि किस किस तरह से उसमें परिवर्तन कर सकती है, किस तरह से दो राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है, सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है ना, फिर क्या नाम है कि उसके कुछ भूभाग को उठाकर किसी अन्य राज्य को दे सकती है, किसी अन्य राज्य का भूभाग उठाकर उसको दे सकती है, तो संघ के पास ये शक्तियां हैं। लेकिन क्या राज्य ऐसा कर सकती है, नहीं, राज्य ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। राज्यों का अविभाज्य संघ किसे कहा गया, तो भारत को कहा गया, याद रखिएगा। दूसरी तरफ अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में चूंकि क्षेत्रीय जो है उनकी अखंडता पर भी बात रखी, मतलब उसको भी ध्यान में रखकर वो किया गया है कि
राज्य वहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अमेरिका है यूएसए जो है अपने स्टेट्स को, ठीक है, अपने स्टेट्स को समाप्त नहीं कर सकेगा, उसको वहां पे इतनी शक्ति प्राप्त नहीं है। हमने आपको क्या बताया था अभी जस्ट कुछ देर पहले, हमने आपको बताया था कि अमेरिका और भारत के संघात्मक शासन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि भारत जो है एक बड़े भूभाग को अपने प्रशासनिक सुचारुता के हिसाब से सुचारू रूप से चल सके, अपने सुविधा के अनुसार से उसमें छोटे छोटे इकाइयों में बांटा है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जस्ट एकदम उल्टा है। कैसे है, तो छोटे छोटे इकाइयां अलग अलग थी, इनको लगा कि यार सब मिलके हमको मार देंगे, तुम भी छोटे हो, तुम भी छोटे, तुम भी छोटे छोटे हो यार, हमको मारा जा सकता है, काम करते हैं, चलो हम लोग मिलकर एक देश बना लेते हैं, ठीक है, चलो क्लियर। तो जब ये लोग पहले ही ऑलरेडी एक छोटे छोटे इकाइयों में थे, तो अब सेंट्रल ये जो बड़ा बन गया है अमेरिका, ये इसको थोड़ी ना भंग कर देगा, ये इसको इसको मिलाकर एक कर देगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए वहां के अमेरिका को, यानी अमेरिका को क्या कहा जाता है, तो अमेरिका को कहा जाता है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके फैक्चुअल एग्जाम की दृष्टि से भी और साथ में कॉन्सेप्चुअल एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो बिना देरी के तुरंत लाइक ठोकिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, हम एक बार अनुच्छेद 4 की, सॉरी, एक बार 1 से लेकर 4 तक हम आपको पूरा समझा देते हैं। देखिए, हमने आपको अनुच्छेद 1 में बताया क्या, अनुच्छेद 1 में बताया कि राज्यों का संघ, क्लियर है, राज्यों का संघ, नाम का तो आपको हमेशा याद रहेगा, हाल ही में विवाद हुआ था, तो इंडिया यानी भारत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कह रखा है कि कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी नाम यूज करो, पहले ही कह रखा है, अभी नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा हमने बताया कि भारत हो गया ये, उसके बाहर को के किसी भी हड़पने के लिए, किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए संसद, ये ध्यान रखिएगा, संसद जो है उचित नियम कानून बनाकर उसको अपने में शामिल कर सकती है। तीसरा क्या था, तीसरा कि अपने अंदर एक चीज हम आपको याद करने का तरीका बता देते हैं, दूसरा तीसरा में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पहले हम बाहर वालों को मिलाएंगे, क्लियर है, दूसरा कलर यूज करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए भारत है, हमने यहाँ से ऐसे मिला लिया, क्लियर, अब हमने इसको ऐसे मिला तो लिया है, ये अब ऐसे हो गया, मान लीजिए 1 सेकंड यार, अब ये ऐसे हो गया है ना, तो ये वाला जो मिला लिया है इसको हमें नया नाम देना है, अलग नाम देना है, तो ये अलग नाम देने का काम किसके तहत होगा, ये होगा अनुच्छेद 3 के तहत, ये होगा अनुच्छेद 3 के तहत। 2 में पहले हम मिलाएंगे, भारत के बाहर वाले से पहले मिलाएंगे, अब हम अपने हिसाब से उसका नाम रखेंगे, उसका नाम कुछ और है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना, हम नहीं रखेंगे, हम अपने हिसाब से नाम रखेंगे, अपने सुचारू अपने मन के हिसाब से नाम रखेंगे, जो हमें हम लोग के लिए आसान हो, जो हम लोग उसका प्रयोग कर सके, है ना, चाहे अपने धर्म के हिसाब से रखें, चाहे अपने आसपास बोलचाल के हिसाब से रखें, या किसी व्यक्ति का नाम रख दें, है ना, हमने जैसे कहा मुकेश रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं, अब बात आती है अनुच्छेद 4 की, तो अनुच्छेद 4 के बारे में हम आपको बताएं कि उपरोक्त ये जो 2 संशोधन किया गया, अनुच्छेद 2 में हमने बाहर से मिलाया, और अनुच्छेद 3 जो कि हमने मिला के रखा था, मिला लिया, उसके वजह से नाम बदल दिया, तो हमने इन दोनों में जो संशोधन किया, जो परिवर्तन किया है, वो कहाँ से होगा, वो किसके तहत किया जा रहा है, वो अनुच्छेद 4 के तहत किया जाएगा, ठीक है, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 368 क्या है, हम बस इतना भी फिलहाल समझिए, आगे हम आपको समझाएंगे, इतना बस यहाँ ये समझिए कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने के तरीके बताता है, प्रावधान करता है, क्लियर है, तो उसके तहत हम लोग अनुच्छेद 4, 2, 3 में संशोधन नहीं करेंगे, क्लियर, ये सिंपल साधारण संसद जब चाहे सिंपल मेजोरिटी के साथ ये अनुच्छेद 2 और 3 कर सकती है। फिर बाद में एक प्रश्न, बड़ा लाजवाब प्रश्न उठा, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया कि क्या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके, क्या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके संसद किसी भूभाग को अन्य देश को दे सकती है, या किसी राज्य की सीमा को समाप्त करके किसी अन्य देश को दे सकती है क्या। तो फिर सवाल जब ये आया तो उसका सुप्रीम, दरअसल ये हुआ यूं था, 1960 में भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से यह सुझाव मांगा था, सलाह मांगा था, आपको भी पता होगा कि ऐसा कर सकती हो, है ना, तो जब उसने सलाह मांगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा वो अनुच्छेद 3 के तहत, या सॉरी अनुच्छेद 4 के तहत, 3-2 के तहत नहीं कर सकती है, ऐसा करने के लिए उसे 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। अनुच्छेद 368 क्या है, तो हमने कहा कि थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत जल्दी जैसे हम अनुच्छेद 368 पर पहुंचेंगे आपको बताएंगे, अनुच्छेद 368 वह प्रावधान है जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, इसमें 2 तरह के प्रावधान है, पहला है एक विशेष बहुमत, ठीक है, और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस, ये +1 वाला आ जाता है, और प्लस हो जाता है क्या चीज, आधे राज्यों से समर्थन, है ना, आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है, क्लियर,
तो देखिए हम आपको क्या बता रहे थे। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके लिए आपको 368 का ही प्रयोग करना पड़ेगा, 368 अनुच्छेद के तहत ही संशोधन किया जा सकता है। ऐसे आप दो तीन की तरह सिंपल मेजोरिटी से पास कराकर अनुच्छेद 4 का प्रयोग करके नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी का प्रयोग करते हुए 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया था, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। इसमें क्या किया गया कि ये है भारत, क्लियर, यहां से ये आपका हो गया चिकन नेक, है ना, ये गया ऐसे ऐसे समझिए मोटा मोटी, ठीक है, और ये आ गया ये बांग्लादेश, है ना। तो बांग्लादेश से हमने जब इसमें संशोधन किया तो ये क्या नाम है, पश्चिम बंगाल, और यहाँ आ गया आपका असम, त्रिपुरा और मेघालय, 4 राज्य जो थे उनके साथ कुछ क्षेत्र हमने आदान प्रदान किए, ठीक है। भारत ने अपने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र जो है आपके इनको दिया है, ठीक है, भारत को दिया। इसमें कौन कौन से जो प्रभावित राज्य थे वो कौन से, पश्चिम बंगाल था एक, दूसरा मेघालय था, तीसरा असम था और चौथा त्रिपुरा था। हमने आपको जैसा कि बताया पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा, ठीक है। तो यही जो हम आपको बता रहे हैं, आइए आगे देखते हैं देशी रियासतों का एकीकरण संबंधित। तो देखिए भारत ने, भारत जब आजाद हुआ तो 552 उस वक्त देशी रियासतें थी, कितनी, 552। सब तो तैयार होगी भारत में जाने के लिए, सब लोग स्वीकृति प्रदान कर दी सबने कि हम लोग ठीक है भैया, हम लोग शामिल हो जाएंगे, किसमें हम लोग शामिल हो जाएंगे आपके भारत में। लेकिन 3 रियासतें थी जो कि थोड़ा मनमर्जी कर रही थी, एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर, ये नाम याद रखिएगा। और फिर तीनों को हमने शामिल किया है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है, शामिल किया है, छोड़ते नहीं हम लोग। फिर कैसे शामिल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है, और पूछता है एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस पूछता है, टीजीटी पीजीटी में एग्जामिनर पूछ देता है, क्या पूछता है, भारत तो पूछ ही रहा है, क्या पूछता है, ऐसे दे देगा, ठीक है, 3 दे देगा, ठीक है, यहाँ देगा हैदराबाद, है समझ लीजिए, यहाँ दे देगा जूनागढ़, यहाँ देगा कश्मीर, ठीक, और पूछेगा ऐसे, ठीक है, पुलिस कार्रवाई, ठीक। अरे यार एक सेकेंड, ठीक है, पुलिस कार्रवाई दे दे देगा, यहाँ दे देगा जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, ठीक है, यहाँ दे देगा आपका विलय पत्र। तो पूछेगा अब इसको क्रम से मिलाओ या इसको मिलान करके हमको बताओ, ठीक है, और नीचे कूट दे देता है। कूट में आप जानते हैं कि हमारे एग्जामिनर लोग बहुत ही महान है, कूट दे देते हैं। तो जूनागढ़ जो है वो जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था, कश्मीर विलय पत्र, कश्मीर का मुद्दा इतना रहा है कि आपको याद ही होगा, और हैदरा पुलिस के द्वारा, याद रखिएगा, इसको भूलने भूलने वाली बात नहीं है ये, एकदम इसको अपने जहन में बिठा कर रखिए, क्लियर। देखिए हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मारपीट करके, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा वहां के लोगों से वोटिंग करवा करके उनका राय क्या है, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, वो राजा जो थे सबको पता है, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर बात आती है केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों का जो उद्भव हुआ है, ठीक है, उसको लेकर कुछ कमिटियों का, कुछ समितियों का गठन किया गया, आइए उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले धर आयोग, तो धर आयोग जो है यह गठन कब किया गया था, 1900 जून 1948 में, ये याद रखिएगा, जून 1948 में, क्लियर। रिपोर्ट इसने सौंपी थी दिसंबर 1948 में, इसके अध्यक्ष थे धर के नाम से एस के धर, ये धर का ये बिंदी ऐसे है, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, एस के धर ये। जहाँ आइए बात करते हैं कि क्या इसने सिफारिश की है, तो इसने सिफारिश यही की थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुख सुविधा के अनुसार पर होना चाहिए था। उसके जस्ट बाद ही गठन किया गया, क्योंकि उस वक्त ऐसी सिचुएशन चल रही थी लगातार। देखिए ना आप, यहाँ दिसंबर इसने 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जून जून में, और कुछ दिन बाद ही जो है तुरंत हम लोग को गठन करना पड़ा एक और आयोग का, वो था जेवीपी आयोग, ठीक है। जेवीपी समिति जो थी, जेवीपी समिति ने यह सिफारिश की कि क्या नाम है, उसने भी यही सिफारिश की, जेवीपी समिति ने यह सिफारिश की कि किसी भी प्रकार का कोई जो है भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसमें कोई अध्यक्ष नहीं था, गठन हमने आपको बताया दिसंबर 1948 में किया गया था, अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जेवीपी के नाम से याद रखिएगा, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक, और पी से पट्टाभि सीतारमैया, क्लियर है ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जेवीपी के नाम से याद है कौन कौन सदस्य थे, इसकी सिफारिश हमने शुरुआत में बता दी थी। उसके बाद से
इतना फिर भी इतना ज्यादा भाषा के आधार को लेकर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर इतना ज्यादा उस वक्त हो हल्ला हो रखा था, बवाल हो रखा था कि कांग्रेस के ही एक नेता थे श्री राम पोट्टी, पोट्टी श्री राम लुल्लू, श्री रामलू, ठीक ना, ये आंध्र प्रदेश के थे। और 1953 में ही इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की थी, क्लियर है, 56 दिन की भूख हड़ताल की, और उसके बाद से मर गए, ठीक है। सरकार बात नहीं मानी और ये इनके देहांत के बाद से पूरा आंध्र प्रदेश जो एकदम जलने लगा, एकदम वहां पर हिंसक मतलब विद्रोह हो गया, हिंसक क्या कहते हैं, हड़ताल वड़ताल तो मतलब आम बात थी। तो भारत सरकार ने अक्टूबर 1953 में फिर सरकार ने दबाव में आकर भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया था आंध्र प्रदेश। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जितनी बार एम या वी वी लिख लीजिए उतना ही कम, और बहुत कॉमन है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कब, पहला प्रश्न बनेगा कब, ठीक है, दूसरा बनेगा कौन सा, मतलब कब बना और कौन सा भाषा के आधार पर पहला राज्य था। कंफ्यूजन मत होइएगा, बिल्कुल मत होइएगा। 1953 में जो है, 1953 में राज्य बना और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आइए आगे भी मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। बारी आती है फजल अली आयोग की। इसका गठन हुआ था दिसंबर 1953 में, चूंकि अब अक्टूबर में वो घटना घटित हो गई, तो फिर यार फिर चलो बनाओ एक बार और समिति बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 सदस्य थे, ये तीनों सदस्य का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने बताया कि इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में, अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, फजल अली के नाम पर ही था फजल अली आयोग। इसने अपनी सिफारिशें क्या कहती वो देखिए, इसने कहा था कि पुनर्गठन जो है, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकमात्र ऐसी समिति जिसने कहा था कि पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक, लेकिन एक राज्य एक भाषा के आधार पर नहीं। ये नहीं कि क्या नाम है, अब उत्तर प्रदेश में समझिए, उत्तर प्रदेश में 4 बोलियां बोली जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भोजपुरी के आधार पर एक भोजपुर राज्य बना दिया, बुंदेलखंडी के नाम पर बुंदेलखंड बना दिया, ठीक है, खड़ी बोली के नाम पर अलग बना दिया, अवधी के नाम पर एक अलग बना दिया अवधी, ठीक है, उसके बाद से ब्रज के नाम पर ब्रज के लिए अलग बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राज्य अलग, उस पे एक राज्य एक भाषा के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। इसी के सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने जो संसद से एक बिल पास किया वो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि यह इंपॉर्टेंट है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था, क्लियर है। तो यहाँ हम आपको जो बता रहे थे तीन वाला या याद करने वाला, तो 1953 याद रखिएगा, दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था, ये याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने आपको बताया 1953 में ही, ठीक है, चूंकि आंध्र प्रदेश बना, कांग्रेस के नेता श्री राम श्री पोट्टी श्री रामलू जो कि है उनका देहांत हो गया 56 दिन के हड़ताल के बाद, तो फिर जो है इस आयोग का गठन हुआ, और 1956 में इसने 55 में रिपोर्ट सौंपी और 56 में जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, क्लियर। और उसी को फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, ठीक है, जो 1953 में बना, ध्यान रखिएगा। 1956 की बात की के बाद बनाए गए राज्य और संघों की बात की जाए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से फैक्चुअल रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र से ही अलग करके मुंबई था, चूंकि मुंबई आप मुंबई भी नहीं था, बम्बई था, ये मुंबई नहीं होगा, ये होगा बम्बई, एक मिनट, ये होगा बम्बई, मुंबई नहीं बम्बई, बम्बई से अलग करके, बम्बई से अलग करके 15वां राज्य के रूप में गुजरात बना, ये ध्यान रखिए, 15वां राज्य के रूप में कौन बना, गुजरात, क्लियर है, 1960 में, ठीक। उसके बाद से उस वक्त 61 में क्या हुआ था कि 10वीं संविधान संशोधन के द्वारा दादर नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया, ठीक। हाल ही में पिछले 2-3 साल पहले 2020 में, ठीक है, 2020 में एक संविधान के माध्यम से जो संविधान संशोधन 2019 में किया गया, उसका नाम है दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय अधिनियम 2019। ये ध्यान रखिए कि 2019 में यह अधिनियम आया है लेकिन लागू किया गया 2020 में, और इसके तहत क्या किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव, इन दोनों को मिला दिया गया है, एक कर दिया गया है, क्लियर है, ये आपको पता होगा, नहीं होगा
आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं गोवा दमन द्वीप की। तो 1962 में जो है गोवा को संघ शासित क्षेत्र का रूप में दर्जा दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा 1962 में। ठीक, उससे ज्यादा जरूरी है कि इसे कब राज्य का दर्जा दिया गया, तो 1987 में, ये ध्यान रखिएगा 1987 में। हम आपको बता दें गोवा किसके पास था, पुर्तगालियों के पास था, जातक भारत को देकर गए थे। तो पूर्ण राज्य बना दिया गया गोवा को 1987 में। और दमन द्वीप का हमने कहानी बताया कि 1962 में ही जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 2020 में हमने कुछ देर पहले जस्ट अभी बताया है कि दमन द्वीप और नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी जो है 1954 में फ्रांसियों ने भारत को दे दिया, भारत के सपोर्ट में आया और फ्रांस ने भारत को दे दिया। और 1962 में 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है। नागालैंड जो है 16वां राज्य बना 1963 में। आप एक लिस्ट बनाइएगा, या मैं ही हो सकता है तो लिस्ट बनाकर एक पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूं। आपने हमारा टेलीग्राम चैनल शायद नहीं ज्वाइन किया, अगर किया है तो आप उस पर जुड़े रहिए, और नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। मैं एक बहुत जल्दी एक पीडीएफ बनाता हूँ जिसमें एक राज्य, उसके बाद सन, ठीक है, कि कौन से सन में बना, और उसके बाद लिखता हूँ कि कौन सा राज्य बना, है ना, वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराता हूँ, आप लोग जुड़े रहिए। तो ये 16वां राज्य के रूप में जो है नागालैंड को दर्जा मिला है। ठीक, उसके बाद से हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो 1966 में ही हरियाणा को 17वें राज्य के रूप में, 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को 1971 में। याद सन याद रखिएगा, चूंकि जब ये 1966 में हरियाणा को बनाया गया था तभी इसको चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था, है ना। पंजाब राज्य से निकले हैं सब, पंजाब, पंजाब उस वक्त बहुत बड़ा क्षेत्र था। पंजाब से ही पहले 1966 में हरियाणा निकला और 1971 में 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश, पंजाब से ही दोनों निकले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बात कर ली जाए तो मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना। ठीक है, और सिक्किम 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। हम आपको बताएं कि सिक्किम में राजा थे, वहां राजा का शासन था, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भारत के अंदर सामाहिक शामिल होने के लिए, जिसको बाद में मान लिया गया और 1974 में ही क्या नाम इसको संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन वहां जनमत संग्रह हुआ 1975 में और लोगों ने वहां इच्छा जाहिर की कि वो भारत राज्य की सरकार के अधीन रहना चाहते हैं, ना कि राजा के अधीन, इसीलिए इसको 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 22वां राज्य बना दिया गया, है ना। फिर बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। तो देखिए मिजोरम 1987 में, ठीक, 23वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य 1987 में, ये तीनों राज्य एक साथ ही, गोवा 25वां राज्य बना। हमने आपको गोवा को पहले ही बताया था कि पहले उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1962 में, लेकिन 1987 में उसको 25वें राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। ठीक है, फिर बारी आती है 36 झारखंड और उड़ीसा की। तो 36 झारखंड और उड़ीसा जो है, 36 मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उड़ीसा से, ये गलत लिखा गया, झारखंड नहीं होगा, ये होगा आपका उत्तराखंड और ये उड़ीसा ना होकर यहाँ हो जाएगा झारखंड। ठीक है, क्लियर। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बनाए बिहार से। ठीक है, निकले ये लोग और सन 2000 में इनको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य, उत्तराखंड को 27वां राज्य और झारखंड को 28वां राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। फिर बारी आती है 2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना 29वें राज्य के रूप में। और हाल वाली घटना आप सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, कि जो 2019 में जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ भारत में। अब कुछ प्रमुख नामों की बात करते हैं, हमने आपसे कहा था जो कि परिवर्तन में किए गए, जो प्रमुख नाम है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, हमने आपको बताया था, क्लियर। उसके बाद से 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया, 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। ठीक, लक्षद्वीप भी नाम बदला गया, किसका, तो लकाद्वीप, मिनिकाय एवं अमनद्वीप का। ये हाँ इम्पोर्टेंट जो है हम आपको अगर बताते चले, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप रट लीजिए तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा वही टेक्निकल रूप से जो है स्ट्रेटेजी आपकी सही होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, देखिए, वरना सब कुछ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सब नहीं पढ़ना, हर चीज याद भी नहीं रखना है। ठीक है, हम आपको बताते चलेंगे, बस वही वही कीजिए। ठीक है, मैसूर का 1973 कर्नाटक कर्नाटक किया गया। ठीक, फिर उसके बाद से बारी आती है 1992 में, ध्यान रखिएगा 1992 में, चूंकि 1991 में एक संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक
ठीक है, कि अब इसका नाम जो है क्या है। ठीक, फिर 2006 वाला तो कॉमन है, आपको पता भी होगा, उत्तराखंड आप लोग घूमने जाते होंगे, उत्तराखंड का नाम बदलकर, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, पौदुचेरी का नाम, पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया है। ठीक, और लास्ट में 2011 में जो किया गया है वो क्या किया गया है, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया है, ओडिशा। क्लियर है? तो ये रहा आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित जो हमने अपने पीडीएफ में आपको बताया है वो आपको समझ में आया है नहीं आया, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपने जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, दोस्तों को शेयर करके पढ़िए, अकेले बिल्कुल ना पढ़िए, फिर उनके साथ डिस्कस कीजिए और फिर हमें कमेंट करके बताइए अगर कुछ डाउट वाउट है। हो सकता है आने वाले समय बहुत जल्द हम लाइव क्लास लें, डाउट सेशन लें, आप लोग जुड़े रहिए। और मैंने जैसा कि बताया है कि राज्यों के उद्भव सन और कौन सा राज्य था वो मैं अपने टेलीग्राम पर बनाकर पीडीएफ बहुत जल्द डाल दूंगा, ये पीडीएफ आज ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पर हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेंगे, वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे अपनी परेशानियों को कह सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।